हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शिव सिंह बाटी डीएनए कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा मोस्टली टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द फिटल स्कल। फिटल स्कल के अंदर नॉर्मली कितने तरह की बोन होती है, सूचर्स है, फटाफल है, वो डायग्राम के द्वारा समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फिटल स्कल, स्ट्रक्चर ऑफ फिटल स्कल, ठीक है। देखो ये जो सुंदर शहर है फिटल स्कल, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये है फिटल स्कल। फिटल स्कल के अंदर हमने पहले बात की थी, बहुत सारे पॉइंट आते हैं। फर्स्ट इसके पार्ट, सेकंड बोन, थर्ड चूसर, फोर्थ फॉन्टनेले। अगर हम पार्ट की बात करें तो पार्ट तीन तरह की पार्ट, एक वॉल्ट ऑफ क्रेनियम, एक होता है फेस और थर्ड होता है बेस। वॉल्ट ऑफ क्रेनियम के अंदर अगर हम पहले इसका डिस्क्राइब करते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट क्या कहलाते हैं। आगे वाला जो पार्ट कहलाती है ये बोन कहलाती है, इसके अंदर ये फ्रंटल बोन, ऊपर वाली पैराइटल बोन, पीछे वाली ऑक्सीपिटल बोन, साइड में होती है वो होती है टेम्पोरल बोन। इस पार्ट को कहते हैं मेंटम, छिन होती है उसको कहते हैं मेंटम। और जो उभरा हुआ पार्ट होता है ऑक्सीपिटल का, उसे कहते हैं ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ऑक्सी ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, जो ऊपर वाले ये जो पार्ट होते हैं जब जहां सूचर आपस में मिलते हैं तो ये हो गया एंटीरियर फ्रंटनले, एंटीरियर फोंटनले, पीछे वाला पोस्टीरियर एंटीरियर फोंटनले, पोस्टीरियर फोंटनले, ये कहलाता है स्पिनोडल फोंटनले। स्पिनोडल फोंटनले पीछे वाला ये कहलाता है मैस्टॉइड फ्रंटनले। ठीक है, अगर सूचर की बात करें तो जो फ्रंटल बोन को आपस में जोड़ती है उसे कहते हैं फ्रंटल सूचर, जो दो पैराइटल बोन को आपस में जोड़ती है उसे कहते हैं सेजेटल सूचर, दो पैराइटल और टेम्पोरल को आपस में जोड़ती है उसे कहते हैं स्क्वामस सूचर, और पैराइटल और टेम्पोरल को आपस में ऑक्सीपिटल को आपस में जोड़ती है उसे कहते हैं
लैम्डा डेल स्विचर। तो ये रूफ ऑफ द नोज इसको कहते हैं ऑर्बिटल रिज। ऑर्बिटल रिज ये कहलाता है मेंटम। ये नीचे की तरफ होता है जहां से स्पाइनल नर्व पास होती है, उसे कहते हैं फोरमन मैग्नम। ठीक है। अब इसके अंदर हम पार्ट के बारे में आराम से बात कर सकते हैं। पार्ट के अंदर हमने बोला वॉल्ट ऑफ क्रेनियम, सेकेंड फेस, थर्ड बेस। बेस ये होता है मेंटम से लेके मेंटम के जो नीचे वाला एरिया कहलाता है वो होता है सब मेंटम, सब मेंटम। ऑक्सीपिटल के नीचे वाला सब ऑक्सीपिटल से लेके सब मेंटम तक का जो एरिया कहलाता है, जो नीचे वाला फ्लोर, उसे कहते हैं बेस। फेस है जो 14 बोन आपस में मिलकर बनाती है, जिसका पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला जो फॉर्मूला है, जो फेशियल बोन के अंदर हमने जो फॉर्मूला बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर विस्फोट हुआ और मोदी आ गया। सो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से जो 14 बोन होती है उसके अंदर नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है जो मोस्टली मूवेबल बोन होती है उसे कहते हैं मैक्सिला। सो मोस्टली मूवेबल बोन होती है तो फेस, 14 बोन आपस में मिलकर फेस बनाती है। अब आता है वॉल्ट ऑफ क्रेनियम। वॉल्ट ऑफ क्रेनियम बेस हो गया सब मेंटम से लेके सब ऑक्सीपिटल रीजन तक, फेस हो गया सब मेंटम से लेके ऑर्बिटल रिज तक का एरिया, ये कहलाता है फेस। ये हो गया बेस, इन दोनों के बीच का एरिया, बेस मेंटम से लेके ऑर्बिटल रिज तक का फेस, यहां से लेके वापस यहां ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस तक का एरिया, वो कहलाता है वॉल्ट ऑफ क्रेनियम। अब इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक तो फॉरहेड जो फ्रंटल बोन बनाती है फॉरहेड, इसको सिंसी फुट भी कहते हैं फॉरहेड। सेकेंड है वर्टेक्स, थर्ड है ऑक्सीपुट। फॉरहेड कहलाती है ऑर्बिटल रिज से लेके एंटीरियर फोंटानेले तक का एरिया, फॉरहेड वर्टेक्स एंटीरियर फोंटानेले दो पैरेटल बोन और पोस्टीरियर फोंटानेले के बीच का एरिया वर्टेक्स, और ऑक्सीपुट पोस्टीरियर फोंटानेले से लेके ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस तक का एरिया ऑक्सीपुट। तो पार्ट कौन कौन से हो गए, पार्ट तीन हो गए, वॉल्ट ऑफ क्रेनियम, फेस और बेस। वॉल्ट ऑफ क्रेनियम के अंदर देखे तो बात करें ऑर्बिटल रिज से लेके एंटीरियर फोंटानेले तक का फॉरहेड, इसको सिंसी फुट भी कहते हैं, फ्रंटल बोन बनाती है एंटीरियर फोंटानेले से लेके पोस्टीरियर फोंटानेले तक का बीच का एरिया, दो पैरेटल बोन और इन दोनों फोंटानेले के बीच में, वर्टेक्स हो गया और ऑक्सीपिट हो गया पोस्टीरियर फोंटानेले से लेके ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस जिसका ऑसिफिकेशन सेंटर होता है, उन दोनों के बीच का एरिया ऑक्सीपिट कहलाती है। मोस्टली जो डिलीवरी के समय जो होता है वो वर्टेक्स डिलीवरी होती है तो नॉर्मल होती है। अब आ गया फेस, ऑर्बिटल रिज से लेके मेंटम तक का एरिया फेस, और बेस है मेंटम के नीचे सब मेंटम और ऑक्सीपिटल के नीचे सब ऑक्सीपिटल रीजन, इन दोनों के बीच का एरिया जो कहलाता है उसे कहते हैं सब ऑक्सीपिटल रीजन, जहां से फोरमन मैग्नम स्पाइनल नर्व पास होती है और जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, तो ये कहलाते हैं। अब आते हैं बोन। बोन के अंदर चार तरीके की बोन होगी, आगे की तरफ फ्रंटल बोन, ऊपर की तरफ दो पैरेटल बोन और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल और साइड के अंदर टेम्पोरल बोन। अब आता है सूचर। सूचर के अंदर हमने पढ़ा है दो फ्रंटल बोन को आपस में जोड़ने वाला फ्रंटल सूचर,
फ्रंटल और पैरिटल बोन को आपस में जोड़ने वाला कोरोनल, ये फ्रंटल, दो फ्रंटल बोन को जोड़ने वाला फ्रंटल सूचर, फ्रंटल और पैरिटल बोन को आपस में जोड़ने वाला कोरोनल सूचर, पैरिटल और टेम्पोरल बोन को जोड़ने वाला स्क्वामस सूचर, पैरिटल और ऑक्सीपिटल को जोड़ने वाला लैम्ब्रेटल सूचर और दो पैरिटल बोन को जोड़ने वाला सेजेटल सूचर। अब बताए फोंटा नले, चार टाइप के फोंटा नले होते हैं और टोटल होते हैं छह, दो एंटेरो लेटल दो पोस्टर लेटल। एंटेरो लेटल को कहते हैं स्पिनोइडल फोंटा नले, पोस्टर लेटल को कहते हैं मैस्टोइड फोंटा नले। ये दो दो काउंटिंग के अंदर होता है लेकिन इसका मोस्टली यूज नहीं होता है, इसका हम यूज में नहीं लेते हैं, लेकिन ये दो मोस्टली यूज में आते हैं मेडिकल के अंदर, डिलीवरी के अंदर भी हेल्प करते हैं कि बच्चे के अंदर जो हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन या डिहाइड्रेशन की कंडीशन है या नहीं, स्टेटस को चेक करने के लिए फोंटा नले का यूज करते हैं। तो ये एंटीरियर फोंटा नले और पोस्टीरियर फोंटा नले, एंटीरियर फोंटा नले और पोस्टीरियर फोंटा नले के अंदर ये किस नाम के जाने जाते हैं, इसका डायमीटर क्या होता है, कितनी सूचर्स लाइन होती है, कब फ्लोर होता है, इसका फ्लोर कैसा होता है, उसके अलग अलग। एंटीरियर फोंटा नले को ब्रेग्मा कहते हैं और डायमंड शेप का होता है, पोस्टीरियर फोंटा नले ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसको लैम्डा कहते हैं। इसके अंदर चार सूचर लाइन और तीन सूचर आपस में मिलकर एंटीरियर फोंटा नले बनाते हैं, जबकि तीन सूचर लाइन और दो सूचर आपस में मिलकर पोस्टीरियर फोंटा नले बनाते हैं। अगर फ्लोर की बात करें तो इसका सॉफ्ट मेम्ब्रेनी फ्लोर होता है और पोस्टीरियर बोनी फ्लोर होता है। ये हाफ एंड हाफ मंथ यानी 18 मंथ के अंदर ये क्लोज होता है, जबकि 6 टू 12 वीक यानी लगभग 1 एंड हाफ मंथ के अंदर क्लोज होता है, जबकि ये 1 एंड हाफ ईयर के अंदर क्लोज होता है। इसका डायमीटर होता है 3 सेंटीमीटर, इसका होता है 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से होता है ये अलग अलग पार्ट, बोन, सूचर और फोंटा नले। और ये रीजन के अंदर आ जाते हैं, अगर रीजन के अंदर जो कि पार्ट के अंदर बात करें तो ये वॉल्ट ऑफ क्रेनियम, फेस और बेस, बेस को क्रेनियम भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रीजन की बात करें तो रीजन के अंदर चार आएंगे, फॉरहेड, वर्टेक्स, फेस और ऑक्सीपुट। बेस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, फॉरहेड, वर्टेक्स, फेस और ऑक्सीपुट चार इन्वॉल्व होते हैं रीजन के अंदर। तो ये होता है फीटल स्कल का नॉर्मल डायग्राम। थैंक यू टू सी।